तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज की विजिट है हमारी भाटी डेयरी फार्म पर और ये हमारे साथ है कमल गुजर भाई साहब। तो सर, आपको ये काम करते हुए कितने साल हो गए? 3 साल हो गए हमको। 3 साल हो गए। और अभी आपके डेयरी फार्म पर कितनी गाय हैं सर? 70 गाय। और रोजाना का कितना प्रोडक्शन हो जाता है? हो जाता है लगभग 600 केजी दूध। लगभग 600 केजी दूध हो जाता है। और किस रेट में सेल करते हो आप? ये 50-55-60 चल रहा है। यानी फैट के हिसाब से दूध चला जाता है। और आपके पास में गायें कौन सी नस्ल में? सब है, मेरी एक टू गिर क्रॉस, 3-4 नस्ल गाय हमारे पास। अच्छा, और अभी मिल्किंग कर ली आपने? हाँ, अभी मिल्किंग करके इनको बाहर निकाल दिया अभी सबको। अच्छा, तो आप इनको दाने में क्या खिलाते हो? दाने में एक तो जो काट है, खल हो गई, चूरी हो गई और भूसा हो गया और भूसा धुआर हो गया। यानी औसतन एक गाय को कितना बांटा दे देते हो? गीला तो 20 केजी गाय के लिए पड़ जाता है। हाँ, गीला और सूखा 4-5 किलो तक दे देते हो। और चारा कितने किलो तक खा जाती है गाय? चारा लगभग एक मतलब अभी तो मसूर और कुत्तर चलती है। हाँ, बाकी जब गर्मी के मौसम में उसको गीला चारा खिलाते हैं। अच्छा, तो आपके केवल दूध का ही काम है या गाय सेल परचेज भी करते हो? सेल नहीं करते, ओनली फॉर दूध का है। ओनली फॉर दूध का। तो आपने ये घोड़ा भी बांध रखा है, ये आप देख सकते हो। ये तो बन गया 100 के लिए। 100 के लिए? तो सेल के लिए नहीं है? नहीं, अभी सेल के लिए नहीं है। अभी नहीं है? हाँ। तो भी देख सकते हो, घोड़ा मारवाड़ी नस्ल में कि काठियावाड़ी है? काठियावाड़ी नस्ल में। तो घोड़ा भी देख सकते हो, काफ़ी क्या नाक नक्श भौरी में भी काफ़ी अच्छा है घोड़ा। तो अभी सेल के लिए है नहीं है? सेल के लिए नहीं है। तो भी कोई लेना चाहे तो? हाँ। तो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है? हाँ। तो आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर हमारे दर्शकों को दे दीजिए सर। 8107992659। और आपको एक विशेष सूचना दे दी जाती है कि शाम के केवल 6 बजे के बाद में ही कॉल करें। हाँ, ये भाई साहब नहीं तो दिन को फ्लाइट मोड में रखते हैं, इनको काफ़ी काम रहता है। 70 गायों की देखभाल करते हैं, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी अच्छी नस्ल में गौ माताएँ खड़ी हैं। ये देखो पूरा बाड़े का एकदम व्यू देख सकते हो आप। और ये घोड़ा भी खड़ा है शौक के लिए। और ये आप गायें देख सकते हो। और इधर ये पानी की व्यवस्था की हुई है, ये पानी की थैली है। हाँ, पानी की थैली बनी हुई है। तो भी सर, यानी कोई नया जो डेयरी फार्मर काम शुरू करना चाहता है, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हो? उनके लिए एक सलाह है कि जब हमने जब शुरुआत की थी ना, तो हमारे पास लगभग 2 गाय से हमने शुरुआत की थी। हाँ। तो मेरा मतलब ये मेरा जो अनुभव है ना, मैं मतलब जितने युवा है जो भी जो डेयरी फार्म अच्छा करना चाहता है, मैं उनको मतलब एक बात बोलूँगा कि आप जब भी शुरुआत करो तो आप लगभग एक या दो गाय शुरुआत करो, क्योंकि आपको नुकसान नहीं होगा। तो भी आप कोई विशेष टिप देना चाहते हो, जैसे कोई विशेष बीमारी आती हो इन गायों को, डाइट में क्या कोई तो क्या देना कि आप जब स्टार्ट करो तो मतलब गर्मियों में मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब गर्मी में स्टार्ट करो तो आपको मतलब के बीमारी की मतलब होते लक्षण वो आ जाते हैं। आप लगभग जैसे बारिश का मौसम खत्म होता है उसके बाद आप फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, बारिश के मौसम में मस्टाइटिस की वो थनेला की बीमारी आ सकती है। तो यानी कि सर्दियों के मौसम शुरू होते ही आपको गायें लेके आ जानी, मतलब जैसे बारिश का मौसम खत्म हुआ आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और औसतन सर कितने किलो दूध वाली गाय खरीदी जानी चाहिए? मतलब अगर आप डेयरी फार्म के लिए लेते हो तो लगभग 10 केजी, क्योंकि आपको नुकसान होगा। अगर आप 6-7 केजी की लोगे तो आपको मतलब नुकसान हो सकता है। हाँ, वो गाय अपना खर्चा नहीं निकाल पाएगी। मतलब अगर आप एक गाय लगभग 20 केजी दिन पर देती हो तो आपको मतलब बेनिफिट मिलेगा उसमें। अच्छा, और तो सर तो दूध कहाँ सेल करें, यानी कि होम टू होम डिलीवरी करें या कहीं दुकान से करें? अगर आपके पास अगर सुविधा है, अगर मतलब एक जगह देने के लिए डेयरी पर, तो मतलब बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप होम डिलीवरी करोगे तो उनका पेमेंट 1 महीने से आता है। हाँ। फिर आप अपना मतलब खर्चा नहीं निकाल पाओगे। अच्छा, तो या तो कोई फैट परसेंट पर डेयरी पर दे तो भी इन गायों का दूध अच्छा होता है। अगर फैट पर दोगे ना तो आपको लगभग इन्हीं गाय के आप 4 फैट आएगी तो आपको मतलब आपके जो भी मतलब आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, तो भी इन गायों में कितना प्रॉफिट हो जाता है, यानी 50% मान सकते हो आप? हमारे जो अभी हो रहा है वो हमारा 50%। हाँ, और सर्दियों में बढ़ता है प्रॉफिट? हाँ, सर्दियों में मतलब इनके दूध होता है मतलब ज़्यादा होता है, अभी तो मतलब लगभग दूध कम होता है इन मक्खियों के कारण जो भी। हाँ, मक्खियाँ चींचड़ ये परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं। सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सर्दियों में इनका डबल हो जाता है। अच्छा, और तो ब्रीडिंग के लिए यानी सीमन लगवाएं या बुल कर रखे, बिल का चयन करें, आपका अनुभव क्या कहता है? मतलब हमारे लिए तो बुल भी अच्छा है और सीमन भी अच्छा है। अभी हमारे पास 2 बुल है। हाँ। दोनों ही प्योर सो मतलब अच्छी है। एक हाँ गिर नस्ल का मैंने देखा था। हाँ, अगर आप सीमन लगाना चाहते हो तो भी अच्छा है, आपके पास बुल है तो भी अच्छा रहेगा। हाँ,
यानी बुल और सीमन के इन गायों को दोनों सूट करते हैं। जो आपके ऊपर डिपेंड करता, मतलब मेरे हिसाब से बुल अच्छा रहेगा, बुल अच्छा रहेगा, यानी वो ही डिटेक्टिव अपने आप कर लेगा और गाय ग्रोस कर देगा, जल्दी हिट में आएगा। और सर गाय खरीदने में कुछ सावधानी रखनी चाहिए, वो कुछ आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। अगर आप कोई भी गाँव मतलब गाय खरीदते हो तो आपको मतलब एक ही चीज की होनी चाहिए जानकारी, मतलब कितना दूध हो रहा है, उसमें मतलब कितना प्रॉफिट है, मतलब जो चारों थन्ना वो मतलब एक साथ मतलब दूध में अच्छी धार पास होनी चाहिए, मतलब ऐसी मतलब छोटी छोटी आपको जानकारी आपके पास। और नस्ल क्रॉस ब्रीड खरीदें या प्योर एचएफ खरीदें, गिर क्रॉस में खरीदें? अगर आपको दूध के लिए चाहिए तो प्योर एचएफ खरीदना चाहिए, क्योंकि उनका जो मिल्क प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, और गर्म इलाकों में गिर क्रॉस सस्टेनेबल गाय रहती है। अगर आपके जो मतलब आपका क्षेत्र हो उसके अनुसार आप जो नस्ल का वो खरीदनी चाहिए, क्योंकि उसमें जब जो गर्मियों के मौसम में इतनी हाफती नहीं है, अगर आप एचएफ लोगे तो भी आपको इतनी मतलब बेनिफिट मिलेगा, पर ज्यादातर आपको एचएफ खरीदनी मतलब जो अंग्रेजी गाय उसमें। हाँ, यानी क्रॉस ब्रीड में यानी एचएफ मिक्स खरीदनी है आपको। हाँ, प्योर तो इधर अपने राजस्थान में चलती नहीं है। और अभी हमारे पास जितनी गाय है वो सब एचएफ में अंग्रेजी है, गिर क्रॉस है और वो नस्ल की है, चार पांच नस्ल की मिक्स है। और नॉर्मली गाय ये 12 महीने में एक बच्चा दे देती है। हाँ, मतलब हमारे मतलब 9 से 10 महीना हम इनका मिल्की निकालते हैं। हाँ, मतलब ऐसी गाय भी हमारे जो मतलब कि शाम को दूध निकाला सुबह वापस भेज जाती है। अच्छा, और हाँ। तो ड्राई कितने महीने करना पड़ता है इन गायों को आपको? यही ज़्यादा नहीं करना पड़ता, मतलब थोड़ा बहुत करना पड़ता, 1 महीना करना पड़ता है। 1 महीने? हाँ, और दूध के वापस यील्ड पर आ जाती है, अपने पीक यील्ड पे? बिल्कुल, अपना मतलब जब हम इनका दूध निकालते हैं तो मतलब 7 से 6 महीने दूध निकालते हैं और 1 महीना उनको सुखा देते हैं। अच्छा, 1 महीने सुखाते हैं, कोई किसी गाय को जरूरत होती है तो? हाँ, अगर हमारे पास मतलब 50% ऐसी गाय मतलब उनको सुखाने की जरूरत है, बाकी ऐसी कोई मतलब हमारी गाय नहीं है कि उनको सुखाने की जरूरत है। अच्छा, तो किसी भाई को अगर कोई गाय खरीदनी हो या नया डेयरी फार्म करना हो तो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है वो? आप हमसे जानकारी ले सकते हो। हाँ, वैसे भी हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है किसान फार्मिंग लाइफ, आप उन पर जाकर हमारा। हाँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इन भाई साहब का अपना खुद का चैनल है जो पर्सनली रोजाना वीडियो भी डालते हैं और डेयरी फार्मिंग से जुड़े और कोई भी टिप्स आपको लेने हो तो भाई साहब के नंबर हमने दे दिए हैं, आप 6 बजे के बाद में कभी भी कॉल कर सकते हो। और काफ़ी बड़ा है, यानी काफ़ी एक्सपीरियंस है हमारे भाई साहब को, तो आपको जो भी जानकारी लेने हो तो हमारे कमल गुजर साहब से ले सकते हो, क्योंकि इनका ये पुश्तैनी काम है और काफ़ी नॉलेजेबल काम है इनका। तो इसी तो ये देख सकते हो। और सर शेड की डिज़ाइन के बारे में सर हमें कुछ बताइए। कोई नया अगर कोई भी युवा अगर जो नया डेयरी फार्म स्टार्ट करे तो उसको पहले टी शर्ट नहीं लगाना है, टी शर्ट नहीं लगाना है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मान लो आपके पास अगर थोड़ा बजट कम है तो आपको पहले कब खरीदनी चाहिए, अगर आप जैसे आपको फायदा मिलेगा आप बाद में टी शर्ट बना सकते हो। अच्छा, यानी शुरुआत में एक बार नॉर्मली यानी ज्यादा शेड पर खर्चा ना करके गाय अच्छी नस्ल की लेके आए, आपको जितनी मतलब कभी जरूरत उतनी खरीदे, टी शर्ट में इतना पैसा ना लगाए, जितना मतलब नॉर्मल खर्चा लगा सकते हो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और उन गायों को एक्स्ट्रा कुछ कैल्शियम की जरूरत पड़ती है? हाँ, कभी अगर कोई गाय का कैल्शियम कमी आ जाए तो आप उसमें मतलब कैल्शियम दे सकते हो, कैल्शियम का एक वो इंजेक्शन आता है वो दे सकते हो। अच्छा, यानी कैल्शियम की पूर्ति करो। हाँ। और सर कभी कोई गाय में जहर है अटक जाए तो उसके लिए कुछ विशेष समाधान है ना, मतलब कि अगर कोई भी गाय का जहर रह जाए तो उसका मतलब एक वो होता है प्रोटोजो, मतलब एक आता है मतलब। हाँ, यूटेरोटोन। हाँ, जो यूटेरोटोन दवाई आती है वो आप दे सकते हो। हाँ, मतलब गुड़ के साथ में, मतलब दिन में कभी भी दे सकते, मतलब आकर आपको मतलब ऐसी शंका हो रही है कि मतलब गाय की जहर वो हो रही अंदर। हाँ, तो आप दे सकते। तो बहने के कितने घंटे बाद में दे देनी चाहिए यूटेरोटोन? अगर मान लो कि 2 घंटे तक अगर मान लो जड़ नहीं गिरी हो तो आप हाथ तो तुरंत दे। हाँ, यूटेरोटोन दे और कैल्शियम वाला जेल दे। हाँ, और उसके अलावा कोई इंजेक्शन है? वो एक इंजेक्शन आता है, मैं आपको बताऊंगा। हाँ, इंजेक्शन हमारे पास। तो चलिए अब थोड़ा शेड की डिजाइन के बारे में भी देख लेते हैं। और तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये आप देख सकते हो, इधर इसके अंदर फीड पूरा भरा पड़ा है, ये जो गाट के कट्टे चूरी, और भाई साहब का देगी ठाट देगी हमारे गुजर साहब का अखरोट, यानी अखरोट खिलाते गायों को। ये देख सकते हो आप, पूरी क्वालिटी वाले अखरोट खिलाते हैं गायों को, यानी इससे जो दूध मिलता है वो बिल्कुल ही बहुत अच्छा मिलता है। ये गुड़ पड़ा है, ये जो गाट पड़े हैं, इधर ये चूरी पड़ी है गंवार की चूरी, ये रसकट गुड़ जो गायों के लिए पर्सनली आता है, और इधर ये बांटा सीज रहा है, इसके अंदर खड़ सब भिगो दी गई है, और ये 150 किलो इसके अंदर जो गाड़ सीधी गई है। तो आप देख सकते हो पूरा यानी लकड़ी से पका के देखते हैं, यानी जो भी गर्म इलाके में देवें तो आप जो गाड़ जरूर देवें।
तो ये आप देख सकते हो 50 किलो खड़क की एक बोरी पूरी डाल रहे हैं भाई साहब। ये पूरी खुरली बनी हुई है, पानी की भरी हुई है इसके अंदर। ये 50 किलो ये खड़क की बोरी खाली कर दी है, देख सकते हो आप। और ये इधर जो घाट का बांटा सींचता है, ये पूरा 150 किलो माटा है। तो अभी अच्छी तरीके से मिला रहे हैं जिससे जल्दी भीग जाए, और जो घाट भी इसके अंदर ऐड कर दी है पूरे 150 किलो करी। तो ये पूरा 2 क्विंटल का माटा तैयार हो रहा है। बड़े चूरी 50 किलो कमा रही चूरी नेगी तो अभी जो घाट और खड़ देते हैं और चूरी हो रहा है। यानी जहाँ टेम्परेचर हाई रहता है क्योंकि ये ठंडी रहती है। और आप ये शेड देख सकते हो, तो अभी इन्होंने गायों को बाहर खोल दिया है। और ये अभी चारे में ये देख सकते हो मसूर का और चिपटे की जो यानी जवार का चारा, ये साथ में मिक्स करके अच्छी तरीके से सभी तरीके से ये डाल दिया गया है। और उधर वो हमारे नंदी महाराज खड़े हैं, और ये आप देख सकते हो चारों तरफ ये 70 गायों का देख सकते हो कितना वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया। और शेड को देखे वी शेप में बनाया गया जिससे गैस ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मीथेन बनती है ऊपर निकल जाए। और इधर ये पानी की टंकी, और अगर आप शॉर्ट फिटिंग कराते हो तो बांटा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। और उधर वो आप देख सकते हो सारी गायें खड़ी है। तो अभी दिखा देते हैं गायें, यानी सुबह 2 घंटे बनती है और शाम को 2 घंटे बनती है। और ये खुली रहती है, ओपन घूमती रहती है। बस HF में यही सक्सेस रेशियो कि आपको हमेशा गायें खुली रखनी है। ये आराम से मक्खी मच्छर उड़ाती हुई ये आप देख सकते हो। तो चलिए फिर से अपने डेयरी भाई ऑनर से बात करते हैं कि तो ये चारे में आप ये 2 चीज़ देते हो हैं? हाँ, 2 चीज़ खिलाते हैं, कुत्तर और ये मसूर का चारा। यानी अच्छा रहता है गाय पाचन में, कोई गोबर में एकदम शपथ नहीं निकालती। तो इसी के साथ अपने वीडियो को विराम देते हैं, और अपने भाई साहब के चैनल हैं जहाँ पर ये पर्सनली वीडियो डालते हैं उनको ज़रूर लाइक शेयर करें, मैं आपको मेंशन कर दूंगा। और इसी के साथ अपने वीडियो को विराम देते हैं। और घोड़ा भी कहूँ एक देख सकते हो, कोई हो तो ले वाला तो ले सकता है। अपने भाई साहब से कॉन्टेक्ट करें, कमल गुज्जर साहब। इसी के साथ धन्यवाद।